यहाँ पे हमने बहुत जी जी करके रह लिए, अब तो बस बदला लेंगे मेरी बहन। अपने पल्लू के बारे में बताओ जरा, कैसी है आपके पल्लू के डिजाइन? वैसे जो मीरा जो साड़ियाँ पहनती हैं, इट्स इट्स वेरी सिंपल एंड क्लासी। सो फिलहाल जो मैंने साड़ी पहनी है वो है पिंक कलर एंड इट्स लाइक लिटिल शेडेड। और मेरे पल्लू में दो बॉर्डर्स लगे, डिफरेंट डिफरेंट। वन इज़ लाइक नॉर्मल नॉर्मल विदाउट सीक्वेंस एंड जस्ट देयर इज अ फ्लावर एंड वन इज सीक्वेंस्ड। सो दिस कीप्स इट लाइक लिटिल क्लासी एंड मीरा इज फैशनिस्टा। सो ऑब्वियसली थोड़ा तो क्लासी को थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही दूसरों से। तो यही है मेरा और पल्लू। आपको अपने पल्लू के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती इंटरव्यू दे दी है है? छुप छुप के नहीं, बाहर इतना एम्बैरेसिंग होगा ऐसे से करना। अपने पल्लू के बारे में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरे पल्लू के बारे में सबसे अच्छा ये लगता है इट्स वेरी लाइट, कुछ भारी वाली साड़ी नहीं है। और मेरे लुक में भी मुझे वही अच्छा लगता है कि साड़ियाँ बहुत हल्की हैं, मतलब ऐसे बॉर्डर वॉर्डर भरे हुए नहीं है। सो इट इज़ जस्ट लाइट एज अ फेदर एंड आई कैन हैंडल इट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा कोई पल्लू पे कोई गाना वाना याद आता है? पल्लू, ओह हाँ, बहुत आइटम नंबर आ गया दिमाग में। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दू तो हंगामा हो। पल्लू के नीचे छुपा के मैं डांस जो कर रखा, लूंगा। उठा दू तो हंगामा हो। आ रे प्रीतम प्यारे, समथिंग समथिंग आई डोंट नो रे। पटरी कहाँ दिख रही है? लेकिन मुझे तो नहीं दिख रही। दुख रही है। जी क्या हो गया ऐसे? मैंने अभी अभी सुना है कि उन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत दुष्कर्म करने की कोशिश की है, तो बस रहा नहीं गया हमसे एंड पुलिस को हमने फौरन बुलाया कि ले जाओ इस आदमी को यहाँ से। तो अब विद्या क्या करेगी, कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करेगी? अब बस अब सबक सिखाएंगे इन्हें एंड अभी बदला लेने का वक्त आ गया है। अभी बहुत हो गया, अभी यहाँ पे हमने बहुत जी जी करके रह लिए, अब तो बस बदला लेंगे। मेरी बहन के साथ गलत काम करने का करने की हिम्मत कैसे हुई किसी की? तो बस अब ठीक है क्या अब। लगता है लेकिन सच में उन्होंने किया है, ये भी एक बाजी कोई ना कोई चाल है? हाँ, एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट, ये बाजी कुछ भी कर सकती है, तो उनसे मुझे थोड़ा डर ही लगता है। वो उनकी कही हुई बात सच हो ना हो, मैं कभी इस चीज़ को लेके श्योर नहीं रहती हूँ, तो पता नहीं अभी सच क्या है। बट फिलहाल जो दिख रहा है, गोपी माँ ने बोला है कि ऐसा उन्होंने देखा है, तो हाँ ये मान सकते हैं कि शायद हुआ होगा ऐसा। बट ऑफकोर्स बहन के साथ मीरा के साथ ऐसा हुआ है तो बहुत गुस्सा आ गया उस टाइम, कुछ सोचने समझने कि मुझ में हिम्मत नहीं रही है, बस दिखा है कि बहन के साथ गलत किया है तो किया है, बस अब तो चलो। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी टिपिकल गुजराती ट्रेडिशनल गुजराती साड़ी है एंड उसके साथ संस्कारी बहू की तरह मैंने मेरे सर पे पल्लू भी रहता है हमेशा, जो बहुत मोटे मोटे बॉर्डर होते हैं। आप देखिए पूरा सर ढका रहता है। मेरा पल्लू कभी नीचे नहीं जाएगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा, ये स्पेशल है। चाहे मैं पानी में कूद जाऊँ दादी को बचाने के लिए, चाहे आग में कूद जाऊँ किसी को बचाने के लिए, या कुछ भी हो जाए, मेरा पल्लू कभी सर से नहीं गिरता है। ये संस्कार दिखते हैं हमारे, विद्या के संस्कार। तो मेरा पल्लू जी, मेरे पल्लू में बहुत मोटा बॉर्डर होता है एंड और पूरे पूरी साड़ी पे बूटियाँ बनी हुई हैं। जी मुझे सभी कलर्स बहुत पसंद है, कोई भी कलर मुझे देते हैं तो मैं बहुत खुशी खुशी पहनती हूँ। मुझे लगता है कि आप एक इंडियन लड़की हर कलर्स में हर तरह के कलर में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है एंड सर ढकना है, संस्कार दिखते हैं, तो कोई बात नहीं। जो मेरी माँ ने दादी ने बाजी ने श्रवण जी ने मुझे कल कपड़े दिए हैं, मैं सब में बहुत खुश हूँ। अच्छा कोई गाना याद आता है जब पल्लू या दुपट्टे की बात करते हैं?
घूंघट के यार से दिल भर कांदी था नजर आता है। अब मुझे गाने को मत कहना प्लीज। गाना नहीं गा। घूंघट की आड़ से दिल भर का दीदार नजर आता है।